आपके साथ कितने नवाबगंज के बच्चे हैं इस समय वहाँ? सरकार को मदद करनी चाहिए, कुछ युद्ध वगैरह थोड़ा स्थिर करवाएं, बच्चों को वहाँ से निकाल दें। जहाँ तक हो तो युद्ध में शांति ही बन हो जाए तो और अच्छा। उनके अपार्टमेंट के व्यू से ही उनको एक्सपोर्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और दिख रहा है धुआं, तो इस सबसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबराए हुए हैं। अभी तो जो है कोई फ्लाइट की रिसेंट सिचुएशन में किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है कि फ़्लाइट होंगी या नहीं होंगी। उनको जो है वो यही बोला गया है कि आप जहाँ हो वहीं रहिए और नीचे जैसे ही सायरन वहाँ बजेगा तो आप बंकरों में जाके वहाँ तुरंत जाइए। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से भारत के तमाम छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी सलामती और वापसी को लेकर देश में जगह जगह प्रार्थनाओं का दौर जारी है। तो वहीं बुंदेलखंड के महोबा जनपद के पनबाड़ी क्षेत्र के 3 छात्रों में से 2 छात्र तरुण सिंह और अंकुश महान सकुशल अपने घर वापस आ चुके हैं, जबकि इसी गाँव के प्रधान का पुत्र अभी भी यूक्रेन के बंकर में जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़ा है और अपनी घर वापसी को लेकर परेशान है। मोबाइल फोन पर अपने पिता संजय द्विवेदी, माता अखिलेश और अपने दादा दादी से बात कर रहा है यह यूक्रेन में फंसा राज द्विवेदी है। वही दूसरा मामला बरेली जनपद का है। वहां के हालात और विस्फोट होने की आशंका से अभिभावक खासे चिंतित हैं और मोबाइल फोन पर बातचीत में लगातार अपने पालियों को धैर्य बना रहे हैं, लेकिन फोन से हटते ही अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। यूक्रेन के इवानो स्थित मेडिकल कॉलेज से नगरवासी अशरफ चायवालों व रहमत बैटरी के पुत्रों अनस और असलम से उनके परिजनों की लगातार बात हो रही है और दोनों ही स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित भी बता रहे हैं। वहीं जब अनस की माँ और उनकी बहनें बात कर रही थी, बात करने के बाद अनस की माँ की आंखों से आंसू झलक उठे। हाँ, वो तो एक माँ का हृदय ही बता सकता है। और जब मुसीबत हो बच्चों पर तो माँ बाप घर के लोगों पर तो उससे भी ज़्यादा होती है, पर उसको हिम्मत बनाए हुए हैं, हम लोग भी हिम्मत बनाए हैं। सरकार पर भरोसा है, कैसे ना कैसे करके बच्चों को वहाँ से निकालेंगे। से बात हो रही है आपकी? हाँ, हो रही है। बता रहा है कि अब सुरक्षित जगह में बैंकर में कर दिया है बच्चों को। कोई न्यूज मतलब वहां से मिली? कुछ नहीं, बस बैठे हुए हैं हम लोग। तुम लोग की टेंशन है? नहीं, सुबह 9 बजे अच्छा, तो तुम लोग रेडी हो गए, मतलब सामान वगैरह पैक कर लिया अपना? हाँ, क्या दूरी है बहुत वहां से? अच्छा, मतलब ट्रैफिक ज्यादा है। शिफ्ट कहाँ करा रहे हैं? शिफ्ट कहाँ करा रहे हैं आप लोग को? अच्छा, तो फिर खाना वाने का मतलब सारा खाना तो खा रहे होगे ना? मिल रहा है सब कुछ? खाना तो खा रहे। और कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि अभी हमारे जो सेशन सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ था 4th ईयर का, तो वो जून में खत्म होता है, तो हम तभी आना चाहते थे, पर इस इमरजेंसी के माहौल में हमें आना पड़ा। कैसा डर, कैसा खौफ है? सर, जब हम आए थे तो तब तो मैं 16 तारीख को जो साइबर अटैक हुआ था बैंक के ऊपर, प्रभात बैंक के ऊपर और इसके ऊपर मिनिस्ट्री के साइट के ऊपर, यूएस डिफेंस, वो यूक्रेन के डिफेंस के ऊपर, तो सर उस टाइम हमको थोड़ा पैनिक हुआ था, डर भी लगा था कि शायद कुछ हो सकता है आज रात में। और उस दिन सर जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने अटेंडम टिकट करवाई 19 तारीख को, और मैं 19 तारीख को सर वहाँ से निकलते ही अपने इंडिया वापस आया। हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं अभी, और जब मैं आया था तब तो थोड़ा ठीक ठीक था, पर अचानक से अब जो है बहुत ज़्यादा भय का माहौल है वहाँ बच्चों में। जी हो रही है, वो लोग जो है रात को बंकरों में सोना पड़ रहा है उनको, और खाने पीने का जो है बहुत दिक्कत है, और जितना भी स्टॉक था उन्होंने बोला कि आपके पास 2 घंटे का समय है, सारा ले लीजिए। तो वहाँ के लोकल ने ही इतने सारा स्टॉक कर लिया कि अपने जो बच्चों को, काफ़ी लोगों को हम नीड्स जो जितनी थी उनको पूरी नहीं मिली, तो राशन का पानी सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन लोगों को। जी, केंद्र सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या पहल की थी?
केंद्र सरकार ने जो है थोड़ा सा लेट कर दिया है, बच्चों को बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। अभी तो जो है मेरे सारे ही दोस्त लगभग लगभग वहीं फंसे हुए हैं। क्यों नहीं, किराया बहुत ज़्यादा लगा है हम लोगों को। जो है नॉर्मल किराया वहाँ का अराउंड 30 to 40 thousand रहता है आने जाने का जो है, और अब हम लोगों को एक फ्लाइट पे 62 से 1,20,000 1,30,000 तक के टिकट बच्चों को पड़े हैं।